ये जो तीन कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने तीन चार बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीले ठोकी जा रही हैं। ये दुश्मन है क्या हमारे देश के? ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। ये कह रहे हैं MSP है, MSP था, MSP रहेगा। उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहां पे MSP पे सुबह शाम झूठ बोलते हैं MSP थी, MSP रहेगी। अरे कहां MSP? आज आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूं, अगर केंद्र सरकार सुनती हो तो सुन ले। इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें MSP पे लागू की जा सकती है। 23 की 23 फसलें MSP पे सरकार उठा सकती है। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1-1.5 करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? कर सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। सबसे पहले मेरठ की क्रांतिकारी धरती को मैं नमन करता हूं। मंच पे बैठे हुए खाप पंचायतों के सभी नेतागण और अन्य सभी नेतागण और महानुभावों को मैं नमन करता हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए, कोने कोने से आए हुए हमारे किसान भाइयों बहनों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज अपने देश का किसान बहुत ज्यादा पीड़ा में है। आज हमारे देश का किसान बहुत ज्यादा दुखी है। 3 महीने से ज्यादा हो गए, 95 दिन हो गए, 95 दिनों से कड़कती ठंड में, 95 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान भाई अपने परिवार, अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पे बैठा हुआ है। किसी को मजा नहीं आता ऐसे धरना करने में, किसी को मजा नहीं आता इतनी ठंड के अंदर अपने शरीर को गलाने में। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, छोटी बात नहीं है। 250 लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार की जू नहीं रेंग रही। दोस्तों, पिछले 70 साल में इस देश के किसान ने केवल और केवल धोखा देखा है। सबने धोखा दिया अपने किसान को, सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने। 70 साल में कई सरकारें आई, 70 साल में इस देश के लोगों ने लगभग हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों ने धोखा दिया किसानों को। किसान कहता है, किसान क्या मांग रहा है पिछले 70 साल से? वो कहता है जी मेरी फसल का सही दाम दे दो, यही तो मांग रहा है भाई साहब।
मेरी फसल का सही दाम दे दो, 70 साल हो गए मांगते मांगते। और सारी पार्टियों के घोषणा पत्र उठा के देख लो, 70 साल में इतने चुनाव हो लिए, राष्ट्रीय स्तर पे हो लिए, राज्य स्तर पे हो लिए, हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारी सरकार बना दो हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिए। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता, आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर चुनाव के पहले पार्टियां कहती हैं तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, किसी पार्टी ने नौकरी नहीं दी, किसी सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो मैं सोच रहा था अब ये किसान जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर क्यों बैठे हैं, इतनी ठंड क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना शरीर क्यों गला रहे हैं, अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं, जिंदगी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये 3 कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। सबकी खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और किसान किसानी करता है वो किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक है अपने खेत, इसलिए किसान अपनी खेती बचाने के लिए जो बची कुची खेती है, ये डू और डाई का लड़ाई है, मर करो या मरो की लड़ाई है, इसलिए किसान आज बॉर्डर के ऊपर बैठा अपने शरीर को गला रहा है और अपनी शहादत दे रहा है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी 2014 में, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था, याद होगा आप सबको, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने बीजेपी वालों ने? हर भाषण में इन्होंने जा जाके प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के अंदर कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, जो फसल का लागत है उसके ऊपर 50% हम आपको प्रॉफिट देंगे, MSP उसके हिसाब से लागू करेंगे। अपने किसान बेचारे भोले वाले हैं, सारों ने जम के वोट दे दिया इनको, लोगों को लगा अब क्रांति आने वाली है और इनकी सरकार बन गई, भारी बहुमत से सरकार बन गई। भाई साहब सरकार बनने के 3 साल के अंदर इसी केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। एफिडेविट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि MSP नहीं देंगे। बात बताओ जी, पता होगा आप लोगों को, आज मैं लाना भूल गया, आपको दिखा देता, केंद्र सरकार का भारतीय जनता पार्टी का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 साल, 2014 में सरकार बनाने के 3 साल के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया MSP लागू नहीं करेंगे। ये तो धोखा हो गया जी, ये तो बीच में शराब हो गया, जोर बोल के वोट ले लिए किसानों के, किसान बेचारे भोले वाले थे, 70 साल से धोखा खा रहे थे, किसानों ने सोचा चलो भाई इस बार ये लोग कह रहे हैं इनकी बात मान लेते हैं, इनकी बातों में आके किसानों ने वोट दे दिया और उन्होंने धोखा दे दिया। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों पे सरकार अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं,
वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। ये दुश्मन है क्या हमारे देश के? ये किसान है हमारे देश के दुश्मन है? ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता, ऐसा तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ। जब अंग्रेज थे अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म नहीं करे थे। उठा के देख लो इतिहास, इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। और अब ये हमारे किसानों में झूठे मुकदमे कर रहे हैं। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया, कराया कि नहीं कराया? भाई साहब, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सबने मेरे को आके कहा जी, उस दिन उन्होंने जान बूझ के रास्ता दे रहे थे, बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जान बूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चला रहे थे, चलाए थे? तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? दोस्तों, ऐसे हजारों हजारों लाखों किसान हैं। एक किसान के दो बेटे, एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। एक बेटा किसान है, दूसरा बेटा जवान है। आज जब हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ सैनिक देखता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले और उनकी केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए मेरे भाई को और मेरे बाप को आतंकवादी बोल रही है, तो दोस्तों सोच सकते हो उसके सीने पे कितना उसको दुख होता होगा। दोस्तों, हमने शुरू से कंधा मिला के इस आंदोलन में हिस्सा लिया। मेरे को याद है जब पंजाब से किसान चले थे, हरियाणा क्रॉस कर रहे थे, जगह जगह उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, बैरिकेड लगाए गए, लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि इनको दिल्ली आने से रोको, लेकिन वो भी पूरी बहादुरी के साथ केंद्र सरकार का सामना करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। फिर केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई कि चलो इनको दिल्ली में आ जाने दो। ये दिल्ली में आ गए, उसके बाद इनको सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास एक फाइल भेजी। फाइल में लिखा था दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम को जेल बनानी है। भाई साहब, अपनी किस्मत अच्छी है, वो जेल बनाने की पावर मेरे पास है, उनके पास नहीं है। इनको फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी, तो इन्होंने फाइल मेरे पास भेजी।
केस भाई साहब जितने फोन पे फोन आने लगे के फाइल क्लियर कर दो। पहले प्यार से बोले, फिर धमकी भी दी इन्होंने, हमने फाइल क्लियर नहीं की भाई साहब, इनको जेल नहीं बनाने दिए स्टेडियम में। उस टाइम अगर हम ये जेल बन जाने देते स्टेडियम, ये सब तो उठा के जेल में डाल देते और जेल में पड़े रहते सारे जने। मेरे को याद है, मैं अन्ना आंदोलन में, जब हम अन्ना आंदोलन में हुआ करते थे तो कांग्रेस ने भी ये सारे स्टेडियम जेल बनाए थे। मैं भी कई दिन इन स्टेडियम में जेल में रह चुका हूं। मेरे को पता था अगर सारे किसानों को उठा के इन्होंने स्टेडियम में डाल दिया, सारा आंदोलन टाइम टाइम पिस हो जाएगा, सारा आंदोलन खत्म। अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, किसान एकता। तो दोस्तों, इनको हमने जेल भी बनाने दिया, और जब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे हैं, हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, तन मन धन से हम उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। मेरे सारे विधायक, मेरे सारे मंत्री, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सरकार के अफसर, उन सबको लगा रखा है खाना बनाने में, लंगर लगाने में। मैं ये नहीं कह रहा हम ही कर रहे हैं, वहां पे बहुत लोग हैं, कई और संस्थाएं भी कर रही हैं, सारे मिलके कर रहे हैं। लेकिन पानी की व्यवस्था करने में, टॉयलेट की व्यवस्था करने में, वहां पे फ्री वाईफाई की व्यवस्था करी, वो सारी व्यवस्थाएं करने में पूरी मदद कर रहे हैं। जय जवान अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों, फिर 28 जनवरी थी ना जी, जब 28 जनवरी की रात को जो कुछ हमने टीवी पे देखा वो यकीन नहीं हुआ। हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश सिंह टिकैत जी, पिछले कितने दिनों से वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने लिए नहीं कर रहे थे, उनको क्या जरूरत है, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है। वो किसानों के लिए इतने दिनों से अपना शरीर ताप रहे थे, इतना शरीर गला रहे थे, और सरकार ने अपनी पुलिस भेज के, अपने गुंडे भेज के उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। भाई साहब, ये नहीं देखा गया हमसे, ये नहीं देखा गया। मैंने पहले संजय सिंह को बोला, संजय सिंह के ने उनको फोन किया, फिर संजय सिंह जी ने मेरी उनसे बात कराई, मैंने राकेश सिंह जी को एक ही बात बोली, मैंने कहा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये बताओ आपको क्या चाहिए, हम हैं आपके साथ। जय जवान अरविंद केजरीवाल, किसान एकता। उन्होंने कहा पानी का इंतजाम करा दो, टॉयलेट का इंतजाम करा दो। हमारे तुरंत विधायकों ने वहां पे पहुंच के रातों रात पानी का, टॉयलेट का, जो जो चीजें उन्होंने कही उन्होंने इंतजाम करा, और हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, आप डटे रहो, हम आपके पूरी तरह से साथ हैं, हिम्मत मत हारो, बस सारा देश के किसान आपकी तरफ देखते हैं। दोस्तों, ये बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, कह रहे हैं ना चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी।
भाई साहब उत्तर प्रदेश के आज इतने किसान आए हुए, पश्चिमी उत्तर के और इतने बड़े बड़े नेता आए हुए, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहाँ पे एमएसपी पे नहीं मिली, एक मंडी बता दो जी भाई साहब, नहीं नहीं मिली भाई साहब, इतने किसान है जरा हाथ उठा के बता दो सब लोग, बता देना एक मंडी। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूँ भाई साहब, एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिसपे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो, मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने, नहीं उठती वो मंडी देखने चलेंगे जहाँ पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम, सुबह शाम झूठ बोलते हैं एमएसपी थी एमएसपी रहेगी, अरे कहाँ एमएसपी, दिखा दो कहाँ एमएसपी पे धान उठती है, मिलती क्यों उठती है। और ये तो कह रहे हैं जब आप किसान नेता इनसे मिलने के लिए गए थे, इन नेताओं से जब केंद्र सरकार से बातचीत चल रही थी तो किसान नेता जब बाहर निकले तो इनका मंत्री बोला, मैंने देखा सुना टीवी पे, कहता है एमएसपी नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं दी जा सकती, कहता है इसमें 17,00,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भाई साहब आज आपके सामने मैं पढ़ा लिखा हूं अच्छा खासा, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। और मैं आज आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूं, अगर केंद्र सरकार सुनती हो तो सुन ले, इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें एमएसपी पे लागू की जा सकती हैं, 23 की 23 फसलें एमएसपी पे सरकार उठा सकती है, सरकार 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठा सकती है, सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कुलदीप जी कह रहे हैं केजरीवाल जी इस काम को करेंगे, जोरदार तालियां बजा दीजिए, पीछे तक खड़े होकर जब समर्थन करते हैं इस बात का, पीछे तक, बहुत बढ़िया। मैं एक बात और कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहला निमंत्रण अन्ना जी का आया, दूसरा राहुल गांधी जी का आया, तीसरा दिल्ली के सीएम का आया, मुझे एडवांस में प्रधानमंत्री का भी निमंत्रण आप दे के जाओ आप। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो, तो दोस्तों आज मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। और मेरे किसान सर नेताओं से सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगली बार जब इनसे मीटिंग करने जाओ तो ये फॉर्मूला उनको बता देना कि एमएसपी कैसे लागू हो सकती है। ये कहते हैं 17,00,000 करोड़ रुपए लगेंगे, भाई साहब 17,00,000 करोड़ रुपए किसान फ्री में नहीं मांग रहा, बदले में किसान आपको फसल देगा, बदले में किसान आपको गेहूं देगा, बदले में किसान आपको धान देगा, बदले में किसान आपको मक्की देगा, बदले में किसान आपको बाजरा देगा, बदले में किसान आपको अपनी फसल देगा। तो केंद्र सरकार फसल के बदले में एमएसपी के ऊपर किसान को 17,00,000 करोड़ रुपए देगी और सरकार के पास 17,00,000 करोड़ की फसल आएगी, सरकार उस 17,00,000 करोड़ की फसल को मार्केट में बेचेगी तो बेच के पैसा तो आएगा सरकार के पास, वो जो पैसा आएगा हो सकता है एक साल में किसी साल में 17,00,000 करोड़ के 18,00,000 करोड़ भी आ जाए, 1,00,000 करोड़ का मुनाफा हो जाए, किसी साल में हो सकता है थोड़ा घाटा भी हो जाए, 17,00,000 करोड़ रुपए के 16,00,000 करोड़ आ जाए, किसी साल में 17,00,000 करोड़ के 20,00,000 करोड़ भी आ जाए, किसी साल में घाटा होगा किसी साल में मुनाफा होगा, सारा 10-15 साल में बराबर हो जाएगा, कोई घाटा नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा, 10-15 साल में सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो 1,00,000-1.5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हो भी गया,
हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के परिवारों को खुश रखने के लिए, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की खुशहाली के लिए अगर लाख डेढ़ लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए तो सरकार कोई गरीब नहीं हो रही। किसान एकता, जय जवान, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों एक आंकड़ा है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? कर सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। और दोस्तों ये एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी तो छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को अपने गन्ने का नया पैसा नहीं मिलता, एमएसपी तो बहुत दूर की बात है। 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपए ये मिल मालिक लेके बैठे किसान। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, अभी ये बता रहे थे भगवंत मान पंजाब में भी यही हाल है, गन्ने की फसल का यही हाल है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके अपना किसान गन्ना उगाता है, मिल मालिक को देके आता है और मिल मालिक उसको 2-2 साल 3-3 साल तक अपनी फसल का दाम तक नहीं देता, एक नया पैसा नहीं देता। क्यों नहीं देता? मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मिलने आए, उसमें एक किसान भी था, बोला भाई साहब 2 साल हो गए मेरी फसल का दिए हुए, अभी तक एक नया पैसा नहीं मिला। मेरे घर में किसी को कैंसर हो गई, मैं जब मिल मालिक के पास पैसे लेने गया तो वो बोला सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुमको कैंसर है। सेम सेम, तब मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। अरे तुमसे भीख मांगने आए हैं, हम अपनी फसल तुमको दे रखी है, उस फसल के दाम लेने आए हैं। ये कह रहा है कि पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हारे घर में किसी को कैंसर है तब दाम दूंगा। हाँ जी, वो भी पिछला, वो भी 2 साल पुराना, ये तो हद हो गई यार। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, तुम अपने क्या मजबूरी है तुम्हारी, क्या मजबूरी है कि मिल मालिकों को तुम ठीक नहीं कर सकते? भाई साहब जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना उस टाइम ये बिजली कंपनियां दिल्ली में 3 बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां, इन्होंने मेरे को, कई लोगों ने, हमने जब दिल्ली के चुनाव लड़े हमने कहा था बिजली ठीक कर देंगे, बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे, बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे। कई लोगों ने मेरे को समझाया इतने बड़े बड़े वादे ना करो, ये बिजली कंपनियां बड़ी पावरफुल है, ये बड़ी शक्तिशाली है, इनके तार बड़े ऊंचे हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भाई साहब आज 5 साल बाद ठीक कर दी इन बिजली कंपनियों ने। ये चू नहीं करती, पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, 20-20 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है, मुफ्त में बिजली मिलती है लोगों को, दिल्ली के लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है, ये 24 घंटे बिजली मिलती है। यही बड़ी बड़ी पता नहीं क्या कहते थे लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी पावरफुल कंपनियां हैं, केजरीवाल जी काबू में आने वाली नहीं है, काबू में कर दी। और ये चीनी की कंपनी है तो छोटी छोटी कंपनियां है, भाई साहब कह रहे हैं पैसे खाते हैं इनसे, मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी आपकी क्या मजबूरी है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार इन चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक के बैठी है? अगर आप अपने गन्ना किसानों को इन मिल मालिकों से पैसे नहीं दिला सकते तो लानत है तुम्हारी सरकार। दोस्तों दिल्ली वालों ने,
बिजली कंपनियां ठीक हो सकती है तो यूपी की चीनी मिलें भी ठीक हो सकती है। अरविंद केजरीवाल, फर्क केवल ये है सही नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी, अच्छी नीयत वाली सरकार लानी। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर। अरविंद केजरीवाल, देश का नेता कैसा हो, और ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये हो सकता है कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आएगा। बात केवल नीयत की है भाई साहब। आज सोच के देखो, 5 साल से 6 साल से दिल्ली में बिजली कंपनियों को मैंने रेट नहीं बढ़ाने दिए, बिजली फ्री कर दी। आज अगर मैं इन बिजली कंपनियों को बुला के शाम को कहूं कि भाई 6 साल हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई, चलो कोई बात नहीं 50 पैसे यूनिट बिजली बढ़ा लो, मान लो मैं कह दूं इनको, भाई साहब कल शाम तक ये मेरे घर में 200 करोड़ रुपए छोड़ जाएंगे। छोड़ जाएंगे कि नहीं छोड़ जाएंगे? कहेंगे जी पार्टी फंड में ले लो, पार्टी फंड दे जाएंगे 200 करोड़ रुपए में 50 यूनिट बिजली बढ़ा दूं तो। हां जी सुनाओ जी, गैस सिलेंडर भाई साहब बता रहे हैं, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर क्यों महंगे हो रहे हैं, क्यों महंगे हो रहे हैं? खाद का कट्टा 50 किलो से 45 किलो कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया? रेट बढ़ा दिया और वजन कम कर दिया। सारी चीजों में भाई साहब एक ही चीज है, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, कल तक मेरे को कोई जानता नहीं था, एक ही चीज सिखाऊं 6 साल में, आपका सबका बेटा हूं, आपका सबका छोटा भाई हूं, आप लोगों की दया से, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से, अभी मैं अंदर जब से सरकार में गया हूं पिछले 6 साल से, मैंने एक ही चीज सीखी है भाई साहब, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, देश का नेता कैसा हो, अच्छी नीयत की सरकार ले आओ, 50 किलो का कट्टा 55 का हो जाएगा, गैस के दाम भी कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे, और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में जो ट्यूबवेल के 25,000 रुपए लेने चालू कर दिए, 25,000 बताओ तुम किसानों से बिजली के 25,000 रुपए लेके ग्राम गांवों में मीटर लगा दिए, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर भाई साहब 75% जनता की बिजली मुफ्त है, दिल्ली के अंदर 75%। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, तो किसान एकता, तो अच्छी नीयत वाली सरकार ले आओ, जैसे दिल्ली वालों ने अच्छी नीयत वाली सरकार करी थी, दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त हो गई, यहाँ पर ट्यूबवेल कर रही, घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जी, चारों तरफ से आवाज उठ रही है किसानों की, जिस तरह से समस्याएं इन्होंने कर रखी है। सिलेंडर लेके आते हैं वो भाई साहब, सिलेंडर ले आएगा इसका। अब घर में इतने ही सिलेंडर आया करेगा भाई साहब, उतने पैसे में
तो दोस्तों एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है। लोग कह रहे हैं जी लाखों लाखों किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है तो भाई साहब केंद्र सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले रही? केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है? केंद्र सरकार ने इन पूंजीपतियों के सामने क्यों घुटने टेक रखे? वो कह रहे हैं भाई साहब एडवांस ले रखा है, बयाना ले रखा है इन्होंने, बयाना उठा रखा है। तो दोस्तों आज अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपका आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन है और ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक देशभक्त का आंदोलन है। जो भी भारत से प्यार करता है वो इस आंदोलन के खिलाफ हो ही नहीं सकता। इतना पवित्र आंदोलन है, इतने अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, कोई हिंसा नहीं किसी तरह की, और इतने प्यार और मोहब्बत से सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग, ऊंचा आदमी नीचा आदमी हर आदमी इसमें शामिल है। आपके आंदोलन में मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा फर्ज बनता है, हर देशभक्त का फर्ज बनता है। और आज मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि आपका बेटा, आपका छोटा भाई पूरे तन मन धन से आपके इस आंदोलन में शामिल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार को अंत बंद में किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। ये जो तीन कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने तीन चार बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीले ठोकी जा रही हैं। ये दुश्मन है क्या हमारे देश के? ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया, और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहाँ पे एमएसपी पे सुबह शाम झूठ बोलते हैं एमएसपी थी एमएसपी रहेगी। अरे कहाँ एमएसपी? आज आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूँ, अगर केंद्र सरकार सुनती है तो सुन ले। इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें एमएसपी पे लागू की जा सकती है, 23 की 23 फसलें एमएसपी पे सरकार उठा सकती है। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? कर सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, सबसे पहले मेरठ की क्रांतिकारी धरती को मैं नमन करता हूं। मंच पे बैठे हुए खाप पंचायतों के सभी नेतागण और अन्य सभी नेतागण और महानुभावों को मैं नमन करता हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए, कोने कोने से आए हुए हमारे किसान भाइयों बहनों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं।
दोस्तों आज अपने देश का किसान बहुत ज्यादा पीड़ा में है। आज हमारे देश का किसान बहुत ज्यादा दुखी है। 3 महीने से ज्यादा हो गए, 95 दिन हो गए, 95 दिनों से कड़कती ठंड में, 95 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान भाई अपने परिवार, अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पे बैठा हुआ है। किसी को मजा नहीं आता ऐसे धरना करने में, किसी को मजा नहीं आता इतनी ठंड के अंदर अपने शरीर को गलाने में। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, छोटी बात नहीं है। 250 लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार की जू नहीं रेंग रही। दोस्तों पिछले 70 साल में इस देश के किसान ने केवल और केवल धोखा देखा है। सबने धोखा दिया अपने किसान को, सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने। 70 साल में कई सरकारें आई, 70 साल में इस देश के लोगों ने लगभग हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों ने धोखा दिया किसानों को। किसान कहता है, किसान क्या मांग रहा है पिछले 70 साल से, वो कहता है जी मेरी फसल का सही दाम दे दो। यही तो मांग रहा है भाई साहब, मेरी फसल का सही दाम दे दो। 70 साल हो गए मांगते मांगते, और सारी पार्टियों के घोषणा पत्र उठा के देख लो, 70 साल में इतने चुनाव हो लिए, राष्ट्रीय स्तर पे हो लिए, राज्य स्तर पे हो लिए, हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारी सरकार बना दो हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है चुनाव के पहले, सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दी। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर चुनाव के पहले पार्टियां कहती हैं तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, किसी पार्टी ने नौकरी नहीं दी, किसी सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो मैं सोच रहा था अब ये किसान जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, बॉर्डर के ऊपर क्यों बैठे हैं, इतनी ठंड क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना शरीर क्यों गला रहे हैं, अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं, जिंदगी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये 3 कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। सबकी खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और किसान किसानी करता है वो किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक अपने खेत, इसलिए किसान अपनी खेती बचाने के लिए जो बची खुची खेती है, ये डू और डाई का लड़ाई है, मर करो या मरो की लड़ाई है। इसलिए किसान आज बॉर्डर के ऊपर बैठा अपने शरीर को गला रहा और अपनी शहादत दे रहा है। 2014 के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी 2014 में, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था, याद होगा आप सबको, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने बीजेपी वालों ने? हर भाषण में इन्होंने जा जाके प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के अंदर कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, जो फसल का लागत है उसके ऊपर 50% हम आपको प्रॉफिट देंगे, एमएसपी उसके हिसाब से लागू करेंगे। अपने किसान बेचारे भोले वाले हैं, सारों ने जम के वोट दे दिया इनको, लोगों को लगा अब क्रांति आने वाली है और इनकी सरकार बन गई, भारी बहुमत से सरकार बन गई। भाई साहब, सरकार बनने के 3 साल के अंदर इसी केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। एफिडेविट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि एमएसपी नहीं देंगे। बात बताओ जी, पता होगा आप लोगों को, आज मैं लाना भूल गया, आपको दिखा देता, केंद्र सरकार का भारतीय जनता पार्टी का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 3 साल 2014 में सरकार बनाने के 3 साल के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया एमएसपी लागू नहीं करेंगे। ये तो धोखा हो गया जी, ये तो बीच में शराब हो गया, जोर बोल के वोट ले लिए किसानों के, किसान बेचारे भोले वाले थे, 70 साल से धोखा खा रहे थे, किसानों ने सोचा चलो इस बार ये लोग कह रहे हैं इनकी बात मान लेते हैं, इनकी बातों में आके किसानों ने वोट दे दिए और उन्होंने धोखा दे दिया। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों पे सरकार अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं, ये दुश्मन है क्या हमारे देश के? ये किसान है हमारे देश के दुश्मन है? ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता, ऐसा तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ, जब अंग्रेज थे अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म नहीं करे थे। उठा के देख लो इतिहास, इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे, कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। और अब ये हमारे किसानों में झूठे मुकदमे कर रहे हैं, ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया, कराया कि नहीं कराया? भाई साहब, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं, सबने मेरे को आके कहा जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे, बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था, वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ इधर से जाओ इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे, और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है, इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी, अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चला रहे थे, चलाए थे, तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तुम सारे आतंकवादी हो, पूछना चाहता हूं आतंकवादी हो तुम सारे? दोस्तों, ऐसे हजारों हजारों लाखों किसान हैं, एक किसान के 2 बेटे, एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा,
और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। एक बेटा किसान है, दूसरा बेटा जवान है। आज जब हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ सैनिक देखता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले और उनकी केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए मेरे भाई को और मेरे बाप को आतंकवादी बोल रही है, तो दोस्तों सोच सकते हो उसके सीने पे कितना उसको दुख होता है। दोस्तों हमने शुरू से कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में हिस्सा लिया। मेरे को याद है जब पंजाब से किसान चले थे, हरियाणा क्रॉस कर रहे थे, जगह जगह उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, बैरिकेड लगाए गए, लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि इनको दिल्ली आने से रोको, लेकिन वो भी पूरी बहादुरी के साथ केंद्र सरकार का सामना करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। फिर केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई कि चलो इनको दिल्ली में आ जाने दो, ये दिल्ली में आ गए उसके बाद इनको सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास एक फाइल भेजी, फाइल में लिखा था दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम को जेल बनानी है। भाई साहब अपनी किस्मत अच्छी है, वो जेल बनाने की पावर मेरे पास है, उनके पास नहीं है। इनको फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी, तो इन्होंने फाइल मेरे पास भेजी और उसके भाई साहब जितने फोन पे फोन आने लगे कि फाइल क्लियर कर दो। पहले प्यार से बोले, फिर धमकी भी दी इन्होंने, हमने फाइल क्लियर नहीं की भाई साहब, इनको जेल नहीं बनाने दिए स्टेडियम। उस टाइम अगर हम ये जेल बन जाने देते स्टेडियम, ये सबको उठा के जेल में डाल देते और जेल में पड़े रहते सारे दिन। मेरे को याद है मैं अन्ना आंदोलन में, जब हम अन्ना आंदोलन में हुआ करते थे तो कांग्रेस ने भी ये सारे स्टेडियम जेल बनाए थे। मैं भी कई दिन इन स्टेडियम में जेल में रह चुका हूं। मेरे को पता था अगर सारे किसानों को उठा के इन्होंने स्टेडियम में डाल दिया, सारा आंदोलन टाइम टाइम पिस हो जाएगा, सारा आंदोलन खत्म। अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, किसान एकता। किसान एकता, जय जवान, जय जवान। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों इनको हमने जेल भी बनाने दिया, और जब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे हैं, हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, तन मन धन से हम उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। मेरे सारे विधायक, मेरे सारे मंत्री, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सरकार के अफसर, उन सबको लगा रखा है खाना बनाने में, लंगर लगाने में। मैं ये नहीं कह रहा हम ही कर रहे हैं, वहां पे बहुत लोग हैं, कई और संस्थाएं भी कर रही हैं, सारे मिलके कर रहे हैं। लेकिन पानी की व्यवस्था करने में, टॉयलेट की व्यवस्था करने में, वहां पे फ्री वाईफाई की व्यवस्था करी, वो सारी व्यवस्थाएं करने में पूरी मदद कर रहे हैं। जय जवान, जय जवान। अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों फिर 28 जनवरी, 28 जनवरी थी ना जी, जब 28 जनवरी की रात को जो कुछ हमने टीवी पे देखा,
वो यकीन नहीं हुआ। हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश सिंह टिकैत जी पिछले कितने दिनों से वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने लिए नहीं कर रहे थे, उनको क्या जरूरत है? भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है। वो किसानों के लिए इतने दिनों से अपना शरीर ताप रहे थे, इतना शरीर गला रहे थे, और सरकार ने अपनी पुलिस भेज के, अपने गुंडे भेज के उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। भाई साहब ये नहीं देखा गया हमसे, ये नहीं देखा गया। मैंने पहले संजय सिंह को बोला, संजय सिंह के ने उनको फोन किया, फिर संजय सिंह जी ने मेरी उनसे बात कराई। मैंने राकेश सिंह जी को एक ही बात बोली, मैंने कहा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये बताओ आपको क्या चाहिए, हम हैं आपके साथ। जय जवान, जय जवान, अरविंद केजरीवाल, किसान नेता। उन्होंने कहा पानी का इंतजाम करा दो, टॉयलेट का इंतजाम करा दो। हमारे तुरंत विधायकों ने वहां पे पहुंच के रातों रात पानी का, टॉयलेट का, जो जो चीजें उन्होंने कही उन्होंने इंतजाम करा। और हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, आप डटे रहो, हम आपके पूरी तरह से साथ हैं, हिम्मत मत हारो, बस सारा देश के किसान आपके तरफ देखते हैं। दोस्तों ये बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, कह रहे हैं ना चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। भाई साहब उत्तर प्रदेश के आज इतने किसान आए हुए, पश्चिमी यूपी के और इतने बड़े बड़े नेता आए हुए, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहाँ पे एमएसपी पे नहीं मिली, एक मंडी बता दो जी भाई साहब। नहीं नहीं मिली भाई साहब, इतने किसान है, जरा हाथ उठा के बता दो सब लोग, बता देना एक मंडी। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूँ भाई साहब, एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो, मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती वो मंडी, देखने चलेंगे जहाँ पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम, सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहाँ एमएसपी, दिखा दो कहाँ एमएसपी पे धान उठती है, मिलती है, उठती है। और ये तो कह रहे हैं जब आप किसान नेता इनसे मिलने के लिए गए थे, इन नेताओं से जब केंद्र सरकार से बातचीत चल रही थी, तो किसान नेता जब बाहर निकले तो इनका मंत्री बोला, मैंने देखा सुना टीवी पे, कहता है एमएसपी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? कहता है इसमें 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भाई साहब आज आपके सामने मैं पढ़ा लिखा हूं अच्छा खासा। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। और मैं आज आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूं, अगर केंद्र सरकार सुनती हो तो सुन ले। इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें एमएसपी पे लागू की जा सकती हैं। 23 की 23 फसलें एमएसपी पे सरकार उठा सकती है, सरकार 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठा सकती है, सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कुलदीप जी कह रहे हैं केजरीवाल जी इस काम को करेंगे, जोरदार तालियां बजा दीजिए, पीछे तक खड़े होकर जब समर्थन करते हैं इस बात का, पीछे तक, बहुत बढ़िया। मैं एक बात और कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहला निमंत्रण अन्ना जी का आया, दूसरा राहुल गांधी जी का आया, तीसरा दिल्ली के सीएम का आया, मुझे एडवांस में प्रधानमंत्री का भी निमंत्रण आप दे के जाओ। आप देश का नेता
देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो, तो दोस्तों आज मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। और मेरे किसान नेताओं से सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगली बार जब इनसे मीटिंग करने जाओ तो ये फॉर्मूला उनको बता देना कि एमएसपी कैसे लागू हो सकती है। ये कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। भाई साहब 17 लाख करोड़ रुपए किसान फ्री में नहीं मांग रहा, बदले में किसान आपको फसल देगा, बदले में किसान आपको गेहूं देगा, बदले में किसान आपको धान देगा, बदले में किसान आपको मक्की देगा, बदले में किसान आपको बाजरा देगा, बदले में किसान आपको अपनी फसल देगा। तो केंद्र सरकार फसल के बदले में एमएसपी के ऊपर किसान को 17 लाख करोड़ रुपए देगी और सरकार के पास 17 लाख करोड़ की फसल आएगी। सरकार उस 17 लाख करोड़ की फसल को मार्केट में बेचेगी तो बेच के पैसा तो आएगा सरकार के पास। वो जो पैसा आएगा हो सकता है एक साल में, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 18 लाख करोड़ भी आ जाए, 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए, किसी साल में हो सकता है थोड़ा घाटा भी हो जाए, 17 लाख करोड़ रुपए के 16 लाख करोड़ आ जाए, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ भी आ जाए, किसी साल में घाटा होगा, किसी साल में मुनाफा होगा, सारा 10-15 साल में बराबर हो जाएगा, कोई घाटा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, 10-15 साल में सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो 1-1.5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हो भी गया, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के परिवारों को खुश रखने के लिए, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की खुशहाली के लिए अगर 1-1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए तो सरकार कोई गरीब नहीं हो रही। किसान एकता, जय जवान, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों एक आंकड़ा है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? कर सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। और दोस्तों ये एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी तो छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को अपने गन्ने का नया पैसा नहीं मिलता, एमएसपी तो बहुत दूर की बात है। 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपए ये मिल मालिक लेके बैठे किसान। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अभी ये बता रहे थे भगवंत मान पंजाब में भी यही हाल है, गन्ने की फसल का यही हाल है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके अपना किसान गन्ना उगाता है, मिल मालिक को देके आता है और मिल मालिक उसको 2-2 साल 3-3 साल तक अपनी फसल का दाम तक नहीं देता, एक नया पैसा नहीं देता। क्यों नहीं देता? मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मिलने आए, उसमें एक किसान भी था, बोला भाई साहब 2 साल हो गए मेरी फसल का दिए हुए, अभी तक एक नया पैसा नहीं मिला, मेरे घर में किसी को कैंसर हो गई, मैं जब मिल मालिक के पास पैसे लेने गया तो वो बोला सीएमओ से चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुमको कैंसर है। सेम सेम, तब मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। अरे तुमसे भीख मांगने आए हैं, हम अपनी फसल तुमको दे रखी है, उस फसल के दाम लेने आए हैं। ये कह रहा है कि पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हारे घर में किसी को कैंसर है तब दाम दूंगा। हाँ जी, वो भी पिछला, वो भी 2 साल पुराना, ये तो हद हो गई यार। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, तुम अपने क्या मजबूरी है, तुम्हारी क्या मजबूरी है कि मिल मालिकों को तुम ठीक नहीं कर सकते? भाई साहब जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना
उस टाइम ये बिजली कंपनियां दिल्ली में तीन बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां, इन्होंने मेरे को कई लोगों ने हमने जब दिल्ली के चुनाव लड़े हमने कहा था बिजली ठीक कर देंगे, बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे, बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे। कई लोगों ने मेरे को समझाया इतने बड़े बड़े वादे ना करो, ये बिजली कंपनियां बड़ी पावरफुल है, ये बड़ी शक्तिशाली है, इनके तार बड़े ऊंचे हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भाई साहब आज 5 साल बाद ठीक कर दी इन बिजली कंपनियों ने। ये चू नहीं करती। पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, 20-20 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है। मुफ्त में बिजली मिलती है लोगों को, दिल्ली के लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है जी, 24 घंटे बिजली मिलती है। यही बड़ी बड़ी पता नहीं क्या कहते थे लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी पावरफुल कंपनियां हैं, केजरीवाल जी काबू में आने वाली नहीं है, काबू में कर दी। और ये चीनी की कंपनियां तो छोटी छोटी कंपनियां है, भाई साहब कह रहे हैं पैसे खाते हैं इनसे, पता खावे मिल वालों पता खावे पे बाजू बढ़ावे मिल वालों पता पैसे जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी आपकी क्या मजबूरी है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार इन चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक के बैठी है? अगर आप अपने गन्ना किसानों को इन मिल मालिकों से पैसे नहीं दिला सकते तो लानत है तुम्हारी सरकार। दोस्तों दिल्ली वालों ने हमारा पीएम कैसा हो, दोस्तों अगर दिल्ली की बिजली कंपनियां ठीक हो सकती है तो यूपी की चीनी मिलें भी ठीक हो सकती है। अरविंद केजरीवाल, फर्क केवल ये है सही नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी, अच्छी नीयत वाली सरकार लानी। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर अरविंद केजरीवाल देश करेगा कैसा हो, और ये गारंटी है, ये गारंटी है, हो सकता है कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। बात केवल नीयत की है भाई साहब, आज सोच के देखो 5-6 साल से दिल्ली में बिजली कंपनियों को मैंने रेट नहीं बढ़ाने दिए, बिजली फ्री कर दी। आज अगर मैं इन बिजली कंपनियों को बुला के शाम को कहूं कि भाई 6 साल हो गए महंगाई बहुत बढ़ गई, चलो कोई बात नहीं 50 पैसे यूनिट बिजली बढ़ा लो, मान लो मैं कह दूं इनको भाई साहब कल शाम तक ये मेरे घर में 200 करोड़ रुपए छोड़ जाएंगे कि नहीं छोड़ जाएंगे, कहेंगे जी पार्टी फंड में ले लो, पार्टी फंड दे जाएंगे 200 करोड़ रुपए में 50 यूनिट बिजली बढ़ा दूं तो। हां जी सुनाओ जी, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर क्यों महंगे हो रहे हैं? खाद का कट्टा 50 किलो से 45 किलो कर दिया? रेट बढ़ा दिया और वजन कम कर दिया, सारी चीजों में भाई साहब एक ही चीज है, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, कल तक मेरे को कोई जानता नहीं था, एक ही चीज सिखाऊं 6 साल में, आपका सबका बेटा हूं, आपका सबका छोटा भाई हूं, आप लोगों की दया से, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से, हमारा
अभी मैं अंदर जब से सरकार में गया हूँ पिछले 6 साल से, मैंने एक ही चीज सीखी है भाई साहब, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल देश का नेता कैसा हो, अच्छी नीयत की सरकार ले आओ, 50 किलो का कट्टा 55 का हो जाएगा, गैस के दाम भी कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे, और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में जो ट्यूबवेल के 25,000 रुपए लेने चालू कर दिए, 25,000 बताओ तुम किसानों से बिजली के 25,000 रुपए लेके ग्राम गांवों में मीटर लगा दिए, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर भाई साहब 75% जनता की बिजली मुफ्त है, दिल्ली के अंदर 75%। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल तो किसान एकता, तो अच्छी नीयत वाली सरकार ले आओ, जैसे दिल्ली वालों ने अच्छी नीयत वाली सरकार करी थी, दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त हो गई, यहाँ पर ट्यूबवेल कर रही घर की बिजली भी मुफ्त कर रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं जी, चारों तरफ से आवाज उठ रही है किसानों की, जिस तरह से समस्याएं इन्होंने कर रखी है। सिलेंडर लेके आते वो भाई साहब सिलेंडर ले आए गैस का, हाँ भाई घर में इतने ही सिलेंडर आया करेगा भाई साहब उतने पैसे में। तो दोस्तों एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है, लोग कह रहे हैं जी लाखों लाखों किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है तो भाई साहब केंद्र सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं दे रही, केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, केंद्र सरकार ने इन पूंजीपतियों के सामने क्यों घुटने टेक रखे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब एडवांस ले रखा है, बयाना ले रखा है इन्होंने, बयाना उठा रखा है इन्होंने। तो दोस्तों आज अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपका आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन है, और ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक देशभक्त का आंदोलन है, जो भी भारत से प्यार करता है वो इस आंदोलन के खिलाफ हो ही नहीं सकता, इतना पवित्र आंदोलन है, इतने अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, कोई हिंसा नहीं किसी तरह की, और इतने प्यार और मोहब्बत से सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग, ऊंचा आदमी नीचा आदमी हर आदमी इसमें शामिल है। आपके आंदोलन में मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा फर्ज बनता है, हर देशभक्त का फर्ज बनता है, और आज मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि आपका बेटा, आपका छोटा भाई पूरे तन मन धन से आपके इस आंदोलन में शामिल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार को अंत पंद में किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। चौधरी चरण